नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने हमारे जीके जीएस की लगभग में 175 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी आपको बताना है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था सांची के स्तूप को? तो ये बनवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है केरल राज्य की राजधानी? तो केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। कहाँ है? त्रिवेंद्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में तानसेन रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री पहान किसके दरबार में आया? तो पहान किसके दरबार में आया था? तो फायन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीन का कौन सा यात्री आया था? तो ये आया था फायन। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी का प्रथा का प्रचलन किया था? तो ये किया था अकबर ने। तो अकबर ने चलाई थी मनसबदारी प्रथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल राज्य को, दक्षिण भारत का कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर। कब? 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि काला पैगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ब्लैक पैगोड़ा जिसे कहते हैं, या काला पैगोड़ा, तो ये स्थित है कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया जाता है? तो सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी सिकंदर की मृत्यु? तो ये हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी मृत्यु? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है खून की कमी से, ये आपको बताना है। तो एनीमिया हो जाता है खून की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। तो किस मुगल बादशाह ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, तो ये हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने एलोरा व एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है। तो एलोरा व एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है, तो ये है राष्ट्रकूट काल। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट काल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, यानी कौन सा देश है जो सबसे छोटा है। तो वेटिकन जो सिटी है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी फैजाबाद। कौन सी थी? फैजाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी। तो किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी, तो ये थी चोल वंश की। किसकी? चोल वंश की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोचीन को। कोचीन कहा जाता है अरब सागर की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ग्रामीण विकास संस्था आरडीआई कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ग्रामीण विकास संस्था है? तो ये स्थित है हैदराबाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है? काला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो किसका बना होता है बिजली के बल्ब का तंतु, तो ये बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया। तो किस देश के संविधान संसदीय स्वरूप लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप लिया गया है ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया है। तो किसके नेतृत्व में चीन में लाल क्रांति हुई थी, तो ये हुई थी माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से, तो हो जाती है रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। कौन सी है? लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो किस विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट, ये आपको बताना है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइड मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है डायनामाइड में मुख्य रूप से, तो ये प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
तो कितने वर्षों के अंतराल पर राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? तो चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? तो चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी। कौन सा है? स्तनधारी प्राणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे शुंग वंश के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। कौन से हो जाएंगे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि राज तरंगनी के लेखक कौन है? तो राज तरंगनी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक है कल्हाड़। कौन है? कल्हाड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं इसके श्याम बेनेगल। कौन से हैं? श्याम बेनेगल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।